मैं महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। तो मेरा एक अनुभव ऐसा हो गया, मेरी लड़की डिलीवरी हो गई और उसको लड़की हो गई और वो लड़की इतनी सीरियस थी, 22 अप्रैल को वो बच्ची पैदा हुई और उसको एडमिट कर दिया। उसकी बहुत सीरियस थी, फिर भी 25 अप्रैल को वो 2.5 घंटे खलास हो गई थी। फिर भी बापू को मैं ऐसी बोली, बापू आप बोलते हैं सभी मेरे ही बच्चे इस कुर्सी पर आने वाले हैं, तो इतनी अच्छी बच्ची क्यों लेके जा रहे हो? तो बापू ने मुझे ऐसे बोला कि अभी गार्गी को कुछ नहीं होगा, वो लड़की का नाम ही गुरुदेव ने बता दिया, उसका नाम बापू ने गार्गी रख दिया। और वो 2.5 घंटे के बाद बच्ची फिर से जिंदा हो गई और 32 दिन 18,000 का मशन था वो लड़की को, पन इस योजना में वो लड़की बिटा दी और हमारा सिर्फ 53,000 ही खर्चा हो गया। 7 लाख खर्चा पूरा डॉक्टर ने बनाया था, 53,000 में मेरी नातन अच्छी हो गई और वो आज बहुत अच्छी है और ओम ओम बोल रही है। हास्य प्रयोग कर रही है, ओम 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 ओम। और 32 दिन के बाद गुरुदेव को देखकर ओम 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 ऐसी बात कर रही है मेरी नाक, बहुत अच्छी बन गई है। और ये सामान्य लड़की नहीं है, असामान्य गुरुदेव ने उन्हें बनाया है, यह हमको बापू जी ने प्रसाद दिया है। हमारे बापू निर्दोष है, हमारे बापू को छोड़ दो, हम सब साधकों के बीच में हमको गुरु पूनम के लिए दर्शन के लिए सबको दर्शन चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सरकार को यही हमारी विनती है।